साथियों सभी लोगों का तथ्य अकेडमी चैनल पर स्वागत है। मैं आपको जीव विज्ञान का टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये हमारा आज का टॉपिक है टाइफाइड। ये टाइफाइड बुखार कैसे बनता है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। टाइफाइड बुखार सल्मोनेला टाइफी से होता है। यह एक जीवाणु है जो मक्खियों के कारण फैलता है। जैसे कि हमारा भोजन जैसे कि खुला रखा होता है तो उसमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो इससे हो जाता है। उसमें पानी से भी हो जाता है, जैसे कि पानी में नहीं गिलास में पानी भरा रखा है तो उस पर मक्खी बैठ जाती है, फिर उसी से पी लेते हैं पानी को। इस कारण फैलता है ये। और इसके लक्षण हैं कि जैसे कि रोगी को यह बुखार आ गया है तो उसे थकावट होगी और उसे भूख नहीं लगेगी और उसे सिर में दर्द तथा पेट में भी हल्का हल्का दर्द होता है। ये उसके लक्षण हैं। और मैं आपको बताऊंगी टाइफाइड यानी कि सल्मोनेला टाइफी ये कौन से मतलब कैसे इसको हम इसे मारते हैं, जैसे कि मेडिसिन देकर। तो मैं आपको बताऊंगी इसके रोकथाम। जैसे कि टाइफाइड बुखार में रोगी के वस्त्रों को धुलकर पहनाना चाहिए और पानी को उबाल कर पिलाना चाहिए और रोगी को TAV का टीका लगवाना चाहिए। टीका लगवाना चाहिए और हमें रोगी को क्लोरोमाइसिन तथा टेरामाइसिन मेडिसिन देने चाहिए यानी कि दवाइयाँ, और व्यक्ति को खुले जगह में घुमाना चाहिए जिससे कि उसे हवा मिल सके। बंद कमरे में उसे हवा नहीं मिल सकती है और उसके ऊपर पंखा करना चाहिए और फिर जैसे कि उसे आराम नहीं मिलता है ये मेडिसिन देने से तो उसे डॉक्टर से ले जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि इसे टाइफाइड बुखार हो गया है, डॉक्टर खुद बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये हमारा आपको टॉपिक कैसा लगा। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो आपको दूसरी वीडियो कल से देना प्रारंभ कर देंगे।